एक बार पुनः मैं अमित कुमार श्रीवास्तव अपने इस चैनल का नाम है दयामैथ्स एनालिसिस इस चैनल के माध्यम से अपने सभी प्यारे भाई बहनों का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज का जो कॉन्सेप्ट आप देख रहे हो यह क्लास 9 के चैप्टर नंबर 2 एक्सपोनेंट से रिलेटेड है और आज लेवल 2 और पार्ट 2 से रिलेटेड जो है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर के डिस्कस करेंगे और यहाँ पे हम लोग समझेंगे कि क्वेश्चंस को लगाने का क्या तरीका है। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियोस को पूरी तरीके से वॉच करिए ताकि इसके पीछे क्वेश्चंस का लगाने का क्या कॉन्सेप्ट है ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आए। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियोज़ को लाइक दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा। तो जैसा कि पहला क्वेश्चन आप देख रहे हो कि यहाँ पर दिया गया है कि इफ़ 3x इज इक्वल टू 5y इज इक्वल टू 75 का पावर जेड दिया गया है तो आपको यहाँ दिखाना ये होगा कि जो जेड की जो वैल्यू जो होगी वह एक्स वाई अपान 2x प्लस वाई के इक्वल होगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि जो क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर है इसको देने से पहले आपको क्या करना होगा कि जो इसमें इंफॉर्मेशन दी गई है इस पर नज़र डालनी होगी। इंफॉर्मेशन में आपके पास है कि 3x इज इक्वल टू 5y इज इक्वल टू 75 का पावर जेड लिखा गया है। तो ये मान के चलो कि इनकी जो भी वैल्यू है किसी कॉन्सेंट वैल्यू किसी के इक्वल आप मान लीजिए। अब आपको करना क्या होगा कि जब आपने सभी वैल्यूज़ को जो है जो के बराबर आपने माना है तो आपको जो है एज अ 1x1 जो है कंपैरिजन करना होगा। सबसे पहले 3x का कंपैरिजन के से करेंगे जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पर। तो जब 3x का कंपैरिजन जो है आप के से करोगे तो यहाँ देखो 3x लिखा हुआ है तो अगर इस x को हटाना है तो इसके लिए x का रेसिप्रोकल लिखना होगा 1x। तो जैसा कि चेंजिंग आप लेफ्ट साइड में कर रहे हैं ठीक वैसा ही चेंजिंग आपको यहाँ भी करना होगा यहाँ पे 1x। तो यहाँ x और x कैंसिल हो जाएगा तो आपको जो है 3 की वैल्यू जो होगी वो के पावर 1x के बराबर आपको मिल जाएगी। सिमिलरली यही कॉन्सेप्ट जो है आपको करना क्या होगा जो 5y आप जो देख रहे हो ये भी के बराबर आप लेंगे कंपैरिजन करेंगे। तो यहाँ पे देखो कि अगर y को हटाना है तो इसके लिए y का रेसिप्रोकल 1/y लेना होगा और वैसा ही चेंजिंग जो है आपको के पावर में एज ए 1/y लिखना होगा। इससे क्या होगा कि y तो कैंसिल हो जाएगा और जो 5 की जो वैल्यू जो होगी वह के पावर 1/y के बराबर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि यहां तक आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। तो समझ लीजिए कि ये जो है आपका पार्ट एज अ इक्वेशन 1 मान लीजिए और ये जो रिजल्ट मिला है इसको आप इक्वेशन 2 मान लीजिए। इसी तरीके से 75 का पावर जो जेड जो दिया गया है इसकी भी वैल्यू आप के बराबर मान लीजिए और यहाँ पर अगर आपको जेड को हटाना है तो इसका रेसिप्रोकल 1/z आपको ऐसे करना होगा और यहाँ पे k 1/z लिख देना होगा जहाँ जेड और जेड कैंसिल हो जाएंगे तो आपको मिलेगी 75 इज इक्वल टू k 1/z आपको ये वैल्यू ऐसे मिल जाएगी। अब ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। अब आपको करना क्या होगा कि सोचना होगा कि आप 75 को क्या लिख सकते हो। तो अगर आप यहाँ पे देखो कि 75 का अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं सबसे पहले आप इसको 3 से डिवाइड करिए तो आपको यहाँ पे वैल्यू मिल जाएगी 25। अब ये नंबर 25 3 से तो डिवाइड होगा नहीं तो इसके लिए जो है आपको 5 से करना होगा तो 5 से 25 मिल जाएगा और 5 × 5। तो 75 को आप क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो 3 × 5 × 5 इज इक्वल टू k 1/z ऐसे लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे देखो कि इसको लिख सकते हो क्या 5, अब देख रहे हो 2 बार आया हुआ है तो इसको जो है आप 5 का स्क्वायर आप लिख सकते हैं इस तरीके से। अब ये वैल्यू हो गई k 1/z के बराबर। अब आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आपने जो यहाँ पे इक्वेशन आपने बनाया है आप इसमें नज़र डालिएगा। सबसे पहले आप यहाँ देखिए ऊपर में आपको मिलेगा 3 की वैल्यू जो है k 1/x आपने बनाया था तो आपको क्या करना होगा कि जो यहाँ पर आपको जो 3 दिख रहा है इस 3 की जगह पर k 1/x आपको यहाँ रख देना होगा इस तरीके से। अब यहाँ पे देखो जहाँ पे 5 दिख रहा है ना तो आपको देखो कि 5 की वैल्यू जो है k 1/y आपने बनाया था आपने तो यहाँ पे 5 की जगह पे जब k 1/y आप रखोगे इस तरीके से तो यहाँ देखो पावर 2 लगा हुआ है
तो ये से 2 आप लगा दोगे और यहाँ पे k का पावर 1 अपान जेड ऐसे हो जाएगा। इसके बाद से आप देखो कि क्या लिख सकते हो, k का पावर 1 अपान x आपको दिख रहा होगा। अब यहाँ पे देखो क्या है कि यहाँ बेस के पावर का भी पावर है, तो आपको इन दोनों के पावर का आपस में मल्टीप्लाई कर देना होगा। तो मल्टीप्लाई कर देने से आपको जो वैल्यू जो मिलेगी वो k का पावर 2 अपन वाई मिलेगा, क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई 2 से करोगे तो तुम्हें 2 मिलेगा। डिनोमेटर में मल्टीप्लाई मत करना, नहीं तो आप गलती कर जाओगे आप। अब यहाँ पे वैल्यू मिलेगी k का पावर 1 अपन जेड इस तरीके से। अब थोड़ा मैं आपको इस साइड में मैं बता दे रहा हूँ, मैं सबसे पहले इस रिजल्ट को जो है मैं इस साइड में इस पेज इस दूसरे पेज पे मैं मेंशन कर दे रहा हूँ मैं। तो आप लिख सकते हैं कि के का पावर 1 अपान एक्स इंटू के का पावर 2 बाई वाई इज इक्वल टू के का पावर 1 अपान जेड। तो जो ये लाइन दिख रही है ना, इसको मैंने इस वाले पेज पर मैंने यहाँ पर मैंने मैंशन कर दिया है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर कि यहाँ दोनों के बेस सेम है, तो आपको क्या करना होगा, पावर ऐड करना होगा। जब पावर ऐड करोगे तो आपको वैल्यू मिलेगी क्या, 1 अपान एक्स प्लस 2 अपान वाई इज इक्वल टू के का पावर 1 अपान जेड। और जैसा कि आपको एक प्रॉपर्टी पता होगी कि जब a का पावर m इज इक्वल टू a का पावर n होता है, तो वैल्यू जो होती है दोनों के जो पावर जो दिख रहे हैं ना, वो m और n आपस में बराबर हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि आप देख सकते हो कि दोनों साइडों में बेस सेम है, तो आप क्या कर सकते हो कि इन दोनों के पावर को क्लियर आप बराबर दिखाएंगे, यानी 1 अपान एक्स प्लस 2 बाई वाई इज इक्वल टू 1 बाई जेड आप ऐसे लिख देंगे। अब यहाँ पे आप देखो क्रॉस मल्टीप्लाई भी करते हो, तो y का मल्टीप्लाई y 1 में करोगे तो आपको y मिल जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई x से करोगे तो 2x मिल जाएगा, और x और y का मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स वाई मिल जाएगा इज इक्वल टू 1 अपॉन जेड। अब यहाँ पे देखो कि जब इसको आप सॉल्व कर रहे हो यहाँ पर, तो अगर इस साइड का अगर आप रेसिप्रोकल लेते हो तो 1 अपॉन जेड का रेसिप्रोकल तो जेड हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देना क्या कि टेकिंग रेसिप्रोकल। तो जब इसका रेसिप्रोकल लिखोगे तो 1 अपॉन जेड का जेड हुआ है, उसी तरीके से इसका रेसिप्रोकल लिखोगे तो आपको वैल्यू जो मिल जाएगी एक्स वाई अपॉन वाई प्लस 2x। तो जैसा कि आप देख रहे हो कि आपसे क्वेश्चन में यही पूछा गया था, आप देख सकते हो क्वेश्चन में नज़र डालो, यहाँ पे पूछा भी यही गया था कि 3 का पावर x इक्वल टू 5 का पावर y इक्वल टू 75 का पावर z दिया गया है, तो आपको z की वैल्यू दिखानी थी किसके बराबर, एक्स वाई अपान 2x प्लस y के बराबर। तो अब यहाँ देखो कि इसमें जो रिजल्ट आया है, z की जो वैल्यू जो आई है वो एक्स वाई अपान y प्लस 2x के बराबर ही आया है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो पहला क्वेश्चन जो मैंने एक्सप्लेन किया है ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। इसकी आप एक बार प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा ताकि ये आपके इसको हर एक कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। अब हम मूव करते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ, जो कि इस वीडियोज़ का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 पे अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले मैं मेंशन कर दे रहा हूँ कि क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन था कि 27 का पावर एक्स था इज इक्वल टू 9 का पावर 3x था। इसमें आपको जो है x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो आप सोचो कि भाई 27 को क्या लिख सकते हो, तो 27 को आप लिख सकते हो 3 का पावर 3 लिख सकते हो। तो जब आप 3 का पावर 3 लिख दोगे तो यहाँ पे पावर हो जाएगा x, 9 को आप लिख सकते हो क्या 3 का स्क्वायर, और यहाँ पे 3 का पावर x आपको मिल जाएगा। अब आपको क्या करना है कि अब इसमें एक प्रॉपर्टी आपको समझनी होगी क्या, कि जब a का पावर m डिवाइडिंग बाई a का पावर n होता है तो हम लोग पावर को आपस में माइनस कर लेते हैं। तो यही कॉन्सेप्ट आपको यहाँ भी अप्लाई करना है कि यहाँ तो आप तो पावर को तो माइनस ऐसे कर लेंगे यहाँ पे, क्योंकि देखो दोनों साइडों का बेस सेम है, ये डिवाइडेशन का साइन है, तो पावर को आप एक दूसरे से सबट्रैक्ट कर सकते हैं। लेकिन देखो यहाँ पे क्या है, बेस के पावर का भी पावर है, तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा कि दोनों के पावर को मल्टीप्लाई करना होगा। तो आप लिख सकते हो 3 का पावर 3x इस तरीके से। अब यहाँ देखो जैसा कि मैंने यहाँ पर आपको एक प्रॉपर्टी अभी जस्ट बताई थी आपको, यहाँ पर इसमें आप देख सकते हो कि जब वैल्यू जो है, यहाँ देखो यहाँ पे इस साइड में कि अगर a का पावर n दिया गया है, यहाँ देखो बीच में इक्वल का साइन लगा हुआ है, तो जब बेस सेम हो जाएंगे तो पावर की जो वैल्यू जो होगी m और n ये भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो वही कॉन्सेप्ट आपको यहाँ भी देख सकते हो कि दोनों साइडों में यहाँ पे बेस सेम है, तो पावर का कंपेरिजन करना है। तो कंपेयरिंग विथ पावर्स जब करोगे, कंपेयरिंग विथ पावर्स,
तो आपको क्या रिजल्ट मिलेगा। तो यहाँ देखो 3x की वैल्यू जो होगी वो 2 माइनस एक्स के बराबर हो जाएगी। अब ये एक इक्वेशन का एक फॉर्मेट है, तो जब आप इस माइनस एक्स को इधर लेके आओगे तो इसकी जो भी वैल्यू होगी प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये हो जाएगा प्लस एक्स इज इक्वल टू 2, 3x प्लस एक्स को सॉल्व करोगे तो 4x मिल जाएगा, 2 हो जाएगा यहाँ पे। और यहाँ देखो इसके बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो जब आप इसको आप यहाँ से हटाओगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी x इज इक्वल टू 2/4। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो वैल्यू हो जाएगी 1/2। तो आप देख सकते हो कि इसका जो भी रिजल्ट आया है वो 1/2 के इक्वल आया है। तो आपको इस वीडियो का कॉन्सेप्ट कैसा लगा तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करके जरूर बताएंगे। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। जय हिंद, जय भारत।